सो अ वेरी ग्रेट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू जो कि सीबीएससी की, की साइड से आ रही है और वो है आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट और साथ ही साथ में आपका जो एग्जाम होने वाला है क्लास और का उसकी डेट लेकिन कंप्लीट तो आपका निकल करके नहीं आया है लेकिन आपको यहां पर डेट्स बता दी गई हैं सो so अगर आपको ये डेट चेक करनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा सीबीएससी की साइट पर सो so आप जाएंगे सीबीएससी डॉट जीओवी डॉट इन पर और यहां पर जाकर के आप मेन वेबसाइट को चेक करोगे तो मेन वेबसाइट को जैसे ही आप चेक करोगे करोगे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज द नोटिस ऑफ आप देख सकते हो ट्वेंटी का है 23 अक्टूबर का आप इसको जैसे ही ओपन करोगे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर आप यहाँ पर सीरियसली देख सकते हो पूरा का पूरा लिखा हुआ है द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ एंड द बोर्ड एनुअल थियोरी एग्जामिनेशन आर स्केड्यूल टू स्टार्ट और यहाँ पर डेट मैंशन कर दी गई है फर्स्ट जनवरी 2025 ट्वेंटी फाइव एंड फिफ्टींथ फेब्री ट्वेंटी सो आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आपको फर्स्ट जनवरी दे दी गई है और आपके जो एग्जाम हैं वो 15th के आसपास शुरू होंगे. और डेट शीट क्या बनने वाली है इस चीज की क्लैरिटी नहीं है और सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर यह दिखाना चाहती हूँ बेटा कई बार ऐसा होता है कि जो आ, मार्किंग वगैरह हो रही होती है और जो सीबीएससी के साइड पर मार्क्स अपलोड किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा वो बहुत ही परफेक्ट नहीं होते हैं तो इस वजह से सीबीएसई ने इसके लिए काफी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है जिसको मैं यहां पर आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है

स्कूल स्मूथ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनलेंट एंड कंडक्ट ऑफ थी इन्फॉर्मेशन है, है, कि पूरा पूरा, जो, है जो भी आपके आ, स्कूल के आ, फेकलिटीज वगैरह है उनको अपलोड करना है सीबीएसई के साइट पर सो so, डिटेल्स में आपको यहां पर क्लास मेंशन किया गया है सब्जेक्ट कोड मेंशन किया गया है सब्जेक्ट नेमशन किया गया है मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी एग्जामिनेशन के किए गए हैं देन मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मेंशन किए गए हैं मैक्सिमम मार्क्स प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट असेसमेंट के मेंशन किए गए हैं देन मैक्सिमम मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के भी मेंशन किए गए हैं whether external examiner will be appointed for practical project assessment whether practical answer book will be provided by the boards type of answer book that will be used in theory examination so ये सब डिटेलिंग के साथ ये सर्कुलर आपको प्रोवाइड किया गया है यहां पे ये भी मेंशन है कि मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच स्टूडेंट इज 100 विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी प्रैक्टिकल एज पर डिटेल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी बाई टेकिंग दिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखो आपका क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी ठीक है ना एंड प्रैक्टिकल तुम जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं राइट right? या सपोज अगर मैं हिस्ट्री uh, की बात कर रही हूँ पोल साइंस की बात कर रही हूँ तो जो थ्योरी का पेपर होता है वो अस्सी मार्क्स का होता है मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो आपके मैक्सिमम थ्योरी में जितने भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे वो 80 मार्क्स कंटेन कर रहे होंगे और ट्वेंटी मार्क्स किसके होंगे प्रैक्टिकल के राइट सो दिस इज इन हिस्ट्री नौ सपोज अगर मैं बात करूँ पॉल साइंस की तो पॉल साइंस में भी आपको 80 मार्क्स थ्योरी के मिलते हैं और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलते हैं बट जियोग्रफी में ऐसा नहीं होता है जोग्राफी में आपको 70 मार्क्स थ्योरी के दिए जाते हैं और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर आता है क्वेश्चन के आंसर्स ऑब्वियसली आपको अपनी आंसरशीट में करने होते सो so, ये प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है जिसका कंबाइंड मार्क्स लेकर के आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो ये चीज को लेकर की इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत स्टर्न एक्शन लेगा वो अगर किसी भी तरीके का रॉन्ग अपलोडिंग होता है यहाँ पर तो सो इट इज क्लियरली मेंशन ऑल मे नोट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन टू अवॉइड एनी इनकनवीनियंस टू द स्टूडेंट एट लेटर स्टेज ऑल्सो इंश्योर दट करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड मार्क्स वंस अपलोडेड विल नॉट भी चेंज सी बी एस ई ने यह भी बोल दिया है कि किसी भी तरह का हम इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स को लेकर के फेस नहीं करना चाहते हैं अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली सी बी एस ई विल टेक एक्शन और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये भी इंश्योर करना है वेगेलिटीज़ को या टीचर्स को कि करेक्ट मार्क्स अपलोड किए जाएं और साथ ही साथ में एक बार मार्क्स अगर अपलोड कर दिए जाएंगे तो वो दोबारा चेंज नहीं होंगे अब नाउ देर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि ऑब्वियसली ट्वेल्थ की प्रेपरेशन कर रहे होंगे अगर आप ट्वेल्थ की प्रेपरेशन कर रहे हैं या ट्वेल्थ के साथ साथ सी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो अड्डा आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको जो आपको दोनों में मदद करेगा तो आप कर क्या सकते हो सपोज अगर आपको आपने ट्वेल्थ की प्रेपरेशन करनी है या फिर आपको ट्वेल्थ प्लस सी की प्रिपरेशन करनी है तो आप अड्डा की साइट पर जा सकते हो और जैसे ही आप अड्डा की साइड पर जाओगे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है और अपना सेक्शन चूज करना है के तो जैसे ही आप के सेक्शन में जाओगे आप देख सकते हो यहाँ पर यू विल गेट टू बैजेस ठीक है ना आपको एक उन्नति बैच सॉरी उड़ान बैच मेंशन होगा और एक बैच मेंशन होगा संभव तो अगर आप सिर्फ ट्वेल्थ की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप संभव बैच का हिस्सा बन सकते हैं ठीक है ना ये संभव बैच है और अगर आप ट्वेल्थ प्लस सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उड़ान बैच का हिस्सा बन सकते हैं यहां पर आपको ट्वेल्थ के साथ साथ यू की प्रेपरेशन करवाई जाएगी जिसमें आपको दो लैंग्वेजेस लैंग्वेज चार्डोज और एक जनरल टेस्ट भी मिल जाता है इसमें बुक्स और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स डेली प्रैक्टिस पेपर्स डाउट सेशन ये सब कुछ आपको मिल रहे होंगे अगर आप ये बैच लेना चाहते हो तो आपको ये बैच ऑब्वियसली सेवन फाइव का मिल रहा था बट यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर्स की वजह से आपको ये बैच फाइव टू थ्री में मिल सकता है कोड यूजिंग द कोड फोर तो कोड यूज करिए ठीक है अपनी सीएई 12 की प्रेपरेशन साथ में करिए विद मिनिमम कॉस्ट और बुक्स और मॉक टेस्ट अपने घर लेकर के आइए ताकि आप अपना सीयूईटी का स्कोर बेस्ट ऑफ बेस्ट कर पाइए सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन विल मीट अगेन तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल